जब समाज की सुख शांति देने वाली पवित्र व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तब वे करुणा निधान प्रभु अनेक शरीर धारण करके, अर्थात समय की आवश्यकता के अनुरूप रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे असुरों को मिटाते हैं, अर्थात दुर्गुणों को मिटाते हैं। देवताओं की स्थापना करते हैं, अर्थात सद्गुणों की स्थापना करते हैं। और श्रुति सम्मत धर्म व्यवस्था की पुनर्स्थापना करते हैं। अब भगवान के अवतार काल की यह लीलाएं संसार में प्रकाशित होती हैं। जिन लीलाओं का गायन करके भक्तजन सहज ही अपने जीवन की जटिलतम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं, संसार सिंधु से संतरित होना उनके लिए सहज हो जाता है, यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है। आज श्री राम कथा के समापन सत्र में हम लोग फिर इसी प्रसंग पर चिंतन करें। आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हमारी स्वतंत्रता आज के दिन ही मिली थी, राष्ट्रीय पर्व है, और भगवान की ऐसी कृपा है कि हम लोग और किसी पर्व में साथ साथ रह न पाए, पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग साथ ही साथ मनाते। कथा का भी उद्देश्य यही है, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर श्री राम कथा हमें एक प्रेरणा देती है कि हम उस दिवस की भी प्रतीक्षा करें जिस दिन हमें हमारी स्वतंत्रता का अनुभव हो, हमारी स्वतंत्रता हमें मिले। श्री राम कथा कहती है कि सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, वेश बदल कर। कई बार यह प्रश्न उठता है कि जो दैत्यों ने किया वही देवताओं ने किया। अगर रावण सीता जी का हरण करता है तो देवराज इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करता है, वह चित्रकूट की घटना है, तो यह पंचवटी की घटना है। तो सीता जी का विरोध तो दोनों ने किया, देवता ने भी और दानव ने भी, फिर अंतर क्या है? गलत आदमी गलती करे यह तो ठीक है, पर यह कथा यह संदेश देती है कि अच्छे आदमी से भी गलतियां होती हैं। लेकिन गलतियां होना एक बात है और गलती को गलती न मानना दूसरी बात है, यही देवता और दैत्य में अंतर है। जयंत समझ गया, अपनी गलती से सबक ले लिया और लौटकर भगवान के चरण शरण में आ गया कि मुझसे अपराध हुआ तो प्रभु छाणे करी छो, एक नयन करी तजा भवानी, प्राण बचा दिए, बाण अमोघ था, एक नेत्र गया। पर इससे सिद्ध क्या हुआ कि गलती अच्छे आदमी से भी होती है और गलत आदमी से तो गलतियां होती ही हैं, लेकिन अच्छा आदमी कौन जो अपनी गलती से सबक ले ले, अपनी गलती से समझ ले और अपनी गलती को गलती मानकर भगवान का आश्रय लेकर दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का जो निश्चय करता है वही देवता है। लेकिन जो गलती करे और गलती को गलती न माने,
जयंत तो नारद जी के समझाने पर भगवान की शरण में आ गया, लेकिन रावण तो किसी के समझाने से शरण में नहीं आया। बस यही देवता और दैत्य में अंतर है। एक दूसरा अंतर यह है कि गलत काम तो दोनों ने किया, लेकिन देवराज इंद्र के बेटे ने गलत काम किया, सीता माता के चरण में चोंच का प्रहार किया, विरोध किया, ठीक। लेकिन जयंत बना क्या, यह भी देखो, कौआ। और रावण ने गलत काम किया और बना क्या, साधु सन्यासी बनकर आया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कम से कम अच्छे आदमी में इतनी अच्छाई तो हो कि गलत करे तो गलत होकर तो समाज में आए। देवता में इतनी अच्छाई तो हो, होती है, वो इसी के लिए देवता कहते। इतना तो ईमानदार हो कि हम गलत कर रहे हैं तो गलत को स्वीकार करें, गलत काम कर रहा है तो कौआ बनकर कर रहा है। पर दैत्य कौन, काम कुछ और भेष कुछ। काम कर रहा है सीता जी के हरण का और बन गया है साधु सन्यासी। आवा निकट जति के बेखा, मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, बगुला जैसा भेख, और इससे तो काग ही भले भीतर बाहर एक। कौए अच्छे हैं, कम से कम जो भीतर है वही बाहर है, और वेश कुछ, आचरण कुछ। श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा कि अरे मन, अगर तू हंस का वेश धारण करता है तो तजीदे बक बायस की करनी, तो ये कौए और बगुले का काम तो छोड़ दे। वेश हमारी रक्षा करता है, वेश हमें याद दिलाता है कि हम कई बार लोग कहते यही करना तो कपड़े बदल देते, वस्त्र, ये वस्त्र पहनकर तो ऐसा मत करो। इसीलिए हम लोग जब साधु होते हैं तो मुड़ते हैं, हमको मूड़ दिया जाता है, हमको हमारे गुरुओं ने मूड़ा, उनको उनके गुरुओं ने मूड़ा, जो हमारे पास आएगा हम उसे मूड़ेंगे। ये मुड़ने की परंपरा ही नहीं, शुरू से नहीं। और इसीलिए लोग जब कोई साधु होता तो ये नहीं कहते कि चेला बन गए, ये कहते मुड़ गए। अच्छा एक बात आता, तो मुड़ा हुआ तो दिख ही रहा है, तो ओहो मुड़ गए, तो मुड़ तो गए ही है, अब इसमें पूछने की बात क्या रही। लेकिन ये मुड़ना बड़ा सांकेतिक है, ये वेश ऊपरी है पर प्रभाव भीतर डाले इसलिए है ये वेश। मुड़ना बाहरी है पर प्रभाव भीतर होना चाहिए। मुड़ने का अर्थ है कि अब हम मुड़ गए, उधर से इधर मुड़ गए, अब जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, वासना से उपासना की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए, मृत्यु से अमृत की ओर मुड़ गए, मुड़ गए। लेकिन एक बार मुड़ना काफी नहीं होता, आप देखो प्रकृति है, फिर बाल उगाते हैं तो फिर मुड़ता है। इसका अर्थ यह है कि मन एक बार मुड़ जाए तो जरूरी मत समझना कि इसमें बुराइयां फिर पैदा नहीं होंगी। जैसे शरीर सिर में बाल बार बार उगते हैं और हम बार बार मुड़ते हैं क्योंकि एक बार मुड़ने का निश्चय कर लिया है, इसी तरह जो मुड़ गए हैं उनके मन में जितने बार बुराइयां उत्पन्न हों उन्हें बार बार मुड़ते रहना चाहिए, यही साधुता है। जब जब उत्पन्न हो बस। अच्छा एक बात और है, मुड़ने वाले बालों को बड़ा होने ही नहीं देते, थोड़े ही निकले के मुड़ो, ये सांकेतिक है। इसी तरह मन की बुराइयों को बड़ा मत होने दो, थोड़े ही निकले कि मुड़ो, ये था मुड़ने का अर्थ। अच्छा मुड़ते इसलिए थे ताकि समाज की दृष्टि में भी आ गए कि ये मुड़ गए, तो समाज देखेगा कि जिधर मुड़े हैं उधर कई काम कर रहे हैं, कहीं इधर का तो नहीं कर रहे। इसलिए हमारे यहां बुंदेलखंड में तो कहावत है, किसी साधु को देखते हैं तो बुंदेलखंडी आदमी विनोद में कहते हैं, वो बुंदेली बोली कहते काय बाबाजू जा बाजू
की बाबाजू। इसका अर्थ इस तरफ कि उस तरफ मुड़ गए। अच्छा, इसीलिए वेश बिना सिले हुए वस्त्र पहनो, यह बहुत सांकेतिक है। इसका यह अर्थ नहीं किसी ने सिले हुए पहन लिए तो अपराध हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब तुम साधु हो गए, किसी धारणा में मत बंधना, अब ससीम में मत रहना, असीम होकर रहना, और ऐसा ही वस्त्र धारण करना जो किसी धारणा में बंधा ना हो। यह, और इसलिए साधुओं के वस्त्र को अचला बोलते हैं कि यह धारणा अचल रखना, चलने मत देना। मुड़ गए तो मुड़ गए, पर एक हमारे परिचित सज्जन है, वो बराबर मुड़ते हैं और महाराज आज तक नहीं मुड़े। हम लोग समझते हैं कि सिर का मुड़ना ही मन का मुड़ना है, जीवन का मुड़ना है, ये प्रतीकात्मक है। बालों का मुड़ना बवालों से मुड़ना नहीं है, पर बाल का मुड़ना संकेत है कि बवालों से मुड़े। बाल का पता नहीं लगता बवाल जहां के तहां है। तो वो मेरे परिचित हैं, तो मैं उन्हें बराबर कहता हूं। अच्छा, और वो हमारे पास जब आते तो मुड़ कर आते, देखो महाराज आप कहते थे, अब आ गए हम मुड़ के, और मुझसे कह देंगे मैं देखो बराबर मुड़ जाता हूं, आप देख रहे बराबर मुड़। लेकिन मैं उन्हें जानता हूं महाराज, पूज्य श्री स्वामी उमेशानंद जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। तो मैं उनकी चर्चा कर रहा था उन सज्जन की, वो जब आते तो सिर दिखाते कि देखो मुड़ गए। तो मैंने कहा कि तुम मुड़ते तो हो पर मुड़े तो आज तक नहीं हो। तो बोले अरे आप भी कहां की बात करते हो, हम इसलिए थोड़े ही मुड़े कि मुड़ गए। फिर बोले हम तो इसलिए मुड़ते, मुड़ मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। इसका अर्थ है कि वेश को जिस दिशा में जाना चाहिए था उसका प्रभाव उस दिशा में नहीं गया। तो जयंत अगर गलत काम करता है तो वेश भी कौए का बनाता है। मुझे वो बात याद आई, श्री भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव अगर आप हमें सिंहासन पर बिठा देंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मोह राज हट दे हऊ जवही, रसा रसातल जाइए तवही, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुजी ने कहा कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। इस पृथ्वी पे रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता। श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव पृथ्वी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार सहन कर सकती है, क्योंकि धरित्री माता जानती है कि राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार सहन करेगी, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस है। लेकिन गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी, वह तो रसातल को चली ही जाएगी। इसलिए इसी अर्थ में जयंत गलत काम करने के बाद भी देवराज इंद्र का पुत्र है, देवता है। अच्छा, एक अजीब बात, ऐसे देखा जाए तो देवता का कुल तो रावण का भी है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और ब्राह्मण को महीदेव कहते हैं, पृथ्वी का देवता कहते हैं, लेकिन फिर भी रावण को दैत्य कहा गया। क्यों? और जयंत को देवता की श्रेणी में ही रखा गया, गलत काम किया तो उस गलत को स्वीकार किया और वेश वैसा बनाया, वेश के अनुरूप काम किया, लेकिन रावण ने वेश के अनुरूप काम नहीं किया। इसलिए जो हम बने वैसे होकर रहे, बचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मनसों जो बने बनी बनाई राम। तो रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और साधु बनकर किया,
कई बार लोग पूछते हैं कि संत की क्या पहचान, तो हमने कहा भाई मानस तो एक ही दृष्टि देता है, जिसके कारण आपकी खोई हुई शांति मिल जाए वह संत है, असली संत है, और जिसके कारण आपकी मिली मिलाई शांति चली जाए, शांति खो जाए, वह किसी भी वेश में हो संत नहीं है। अब असली संत है हनुमान जी और बना हुआ संत है रावण। हनुमान जी सीता जी को खोज कर लाए और रावण सीता जी का हरण करके ले गया। इसका अर्थ यही हुआ कि बनावट हमारे जीवन से शांति का हरण करती है और असलियत हमारे जीवन में शांति को फिर से लाती है। हनुमान जी साधु हैं बने नहीं, क्यों कुबेश साधु सनुमानो, यहां वेश की बात ही नहीं कही, क्यों कुबेश साधु सनुमानो जिम जग जामवंत हनुमानो। और रावण के लिए कहा आवा निकट जति के वेखा वेश। और बात किससे बनती है, देह के माला तिलक छाप नहीं किसी काम के, छाप नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पाहा, सोई परम पद पाहा। इस भजन में श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम का। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई माला ना पहने तिलक ना लगाए, यह आशय नहीं। उनका आशय यह है कि जैसे कोई ये कहे कि मनुष्य जीवन पाकर अगर कोई भजन नहीं करता तो बेकार है फिर मनुष्य का जन्म, तो मनुष्य का जन्म बेकार नहीं है, पर मनुष्य का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो माला तिलक छाप बेकार नहीं है, पर जिस उद्देश्य धारण किए गए उसकी पूर्ति होनी चाहिए, और इसीलिए मुड़ने का मना नहीं किया गया। परंपरा है तो होनी ही चाहिए, लेकिन मुड़ना जिस उद्देश्य से हुआ है वह अगर पूरा न हो तो फिर श्री कबीरदास जी कहते हैं कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे मुड़ने का विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मूड़ के साथ, मूड मुड़ने के साथ मूड भी बदलना चाहिए, मन भी बदलना चाहिए जीवन को। अब रावण हरण करके ले गया सीता जी को। अब आज स्वतंत्रता दिवस है तो हम लोग इसी तरह सोचें कि राम जी रोते हुए सीता जी को खोज रहे हैं। जब जब हमारी स्वतंत्रता खो जाती है तो हम दुखी हो ही जाते हैं। आज सब दुखी तो इसीलिए हैं, कहते हम चाहते हैं कि शांत रहे, रह नहीं पाते, एकांत में बैठे कि अकेले में जरा शांति से ध्यान करेंगे, मन में इतनी उपद्रव है कि पता नहीं क्या पैदा हो जाए और हम परेशान आंख खोल के उठ बैठते हैं, छोड़ हो ही नहीं रहा हो। हम जब जो करना चाहते, अरे हम जब सोना चाहते तो नींद नहीं आती, और जब जागना चाहते तो नींद ऐसी आती कि बैठने नहीं देते। आप देखो हम अपने मन से न सो पाते हैं न जाग पाते हैं,
हमारी स्वतंत्रता है कहां? अरे बड़ी बड़ी बातें तो जाने दो, जन्मना मृत्यु, शरीर छोड़ना शरीर पाना, इसमें भी हम स्वतंत्र नहीं है। लाई हयात आए कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। जब हम पैदा होना नहीं चाहते थे तब पैदा कर दिए गए, जब मरना नहीं चाहते थे तब शरीर छोड़ा लिया गया। एक ने कहा स्वर्ग बड़ा अच्छा है, क्यों? बोले वहां सदा जवान रहते, वहां मौत है ही नहीं। तो दूसरे ने कहा कि ऐसा स्वर्ग भी बेकार। कहा क्यों? बोले स्वतंत्रता वहां भी नहीं है। क्यों? कहा तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी। कहां स्वतंत्रता? यहां जी नहीं सकते हमेशा, वहां हमेशा, वहां मर नहीं सकते। यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी। तो आप देखो कितने कोई सुखी हो, पर स्वतंत्रता ही परम सुख है। आज भी लोग कहते हैं कि जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज्य था, हम हमसे तो तब भी सुखी थे, आजकल तो बहुत परेशान। पहले ही ऐसा बहुत लोग कहते हो कि उनके जमाने में सब होता था, पर ये नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। ये बात सही भी हो, लेकिन एक बात, हम सुखी तो थे पर स्वतंत्र नहीं थे। सुखी तो थे, तो सुख सुख अपने आप में सुख तो है, पर परम सुख तो स्वतंत्रता ही है। हम स्वतंत्र हो सके। आज परिस्थिति क्या है? आज हमारी स्वतंत्रता हरण कर ली है। राक्षसों ने सीता जी का हरण किया था, आज विकारों ने हमारी स्वतंत्रता हरण कर ली है। लोभ हमें सुखी नहीं रहने देता, काम हमें सुखी नहीं रहने देता, क्रोध हमें सुखी नहीं रहने देता। और जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भीतर की बुराइयां हमें सुखी न रहने दें, बाहर की परिस्थितियां हमें सुखी न रहने दें, तो इंसान की कौन कहे? भगवान तक रोने लगते हैं। अपनी लीला के द्वारा उन्होंने यही संदेश दिया, राम जी रो रहे। अच्छा एक बात और है, लक्ष्मण जी समझाते हैं, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, लक्ष्मण जी समझा रहे। ऐसी भी विडंबना आती है कि छोटे भी बड़ों को समझाने लगते हैं। जब शांति खो जाए और व्यक्ति हैरान परेशान हो तो, लेकिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, इसीलिए जिनको स्वतंत्रता मिल जाती थी उन संतों को हम स्वामी बोलते थे। स्वामित्व है, अब ये स्वामी है। तो संत कहते थे, हम एक हमारे चित्रकूट में बड़े परिचित महात्मा थे, संत श्री राम गुलाम दास जी महाराज, वैष्णव संत थे हमारे, बड़े श्रद्धे आदरणीय, बड़े प्रेमी, हम उनके पास जाते थे। तो अपनी मस्ती में बोलते थे, किसी ने कहा कि महाराज आपका नाम तो नाम बताया, हमको महाराज नाम बड़ा अच्छा है, साधु होने के बाद हुआ कि पहले से? बोले बचपन से ही राम गुलाम नाम था। तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो हंसकर कहते, हम केहू दूसरे के गुलाम हुईबो न करे, हम किसी दूसरे के गुलाम हुए ही नहीं, दास भी होंगे तो भगवान के, ईश्वर के, राम के दास और भगवान के दास और अपने मन के स्वामी। इसलिए संतों को दो ही बातें कही जाती है, स्वामी भी कहा जाता है, दास भी कहा जाता है। शरण रहते हैं तो भगवान की शरण में रहते हैं। तो भाई ये स्वतंत्रता, तो इसीलिए संतों के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जो स्वतंत्र होगा वह शरीर छोड़ देगा। स्वतंत्र क्यों? अब आसक्ति ने उसे बांध नहीं रखा है, परतंत्र करके नहीं रखा है। अजा संत हो गए हो, शरीर छोड़ देते हैं, हम लोग छोड़ते नहीं, हम लोगों से छुड़ा लिया जाता है। छोड़ना कौन चाहता है? मौत एक तमाचा मारती कि निकलो बाहर, बहुत दिन रह लिए, तुम हटने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए यह स्वतंत्रता प्राप्त हो। और जब वैसे देखा जाए, हम लोग कहते हैं आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ये व्यवहारिक जीवन में भी इस स्वाभिमान में रहना चाहिए, उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए व्यवहारिक तल पर भी, लेकिन आध्यात्मिक तल पर भी सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें मन गुलाम बनाए रहे, हमें विकार गुलाम बनाए रहे, अब क्या करें महाराज, आदतें ऐसी हैं छूटती नहीं हैं। वो गलत नहीं कहते, सही कहते हैं, लेकिन एक संत ने कहा कि ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, मगर जो आदत न बदल सके वो काबिले इंसान नहीं है। आदत को बदलना आसान तो नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। राम जी का चरित्र हमें क्या सिखाता है, स्वतंत्रता खो गई है, शांति खो गई है, लेकिन राम जी दुखी तो हुए पर पीछे नहीं लौटे, परेशान तो हुए पर पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। क्या लिखा है, आगे चले बहुरे रघुराम, आगे चले ऋषि मुनि का पर्वत नियराया, ऋषि मुनि का ऋषि मुनि का पर्वत नियराया, आगे चले बहु रघुराया, आगे चले आगे चले, आगे चले बहुरे बहुरे। राम जी फिर भी आगे चले, यह होना चाहिए कि चाहे जैसी मन की प्रतिकूलता हो पर पीछे न मुड़े, आगे बढ़े। कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, बढ़ते ही जाना। चरै वेति चरै वेति चरै वेति, राम जी आगे बढ़े। अजब परिणाम क्या हुआ, ऋषिमुख पर्वत नियरा, ऋषिमुख पर्वत नज। अजय एक शैली देखो, काव्य की शैली है, इस कविता में ऐसे लगता है जैसे पर्वत के पास राम जी नहीं पहुंचे, पर्वत राम जी के पास चलकर आ गया। ऋषिमुख पर्वत नियर आया, नजदीक आ गया। यहां अंग्रेजी का और इस भाषा का शब्द मिल जाता है, नियर, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, नजदीक आ गया, नियरे, उसी नियर से, नियरे नियरे माने पास, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, और नियरे में बुंदेली भाषा में यह और निकल गया, नीरे 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 नियरे और नियर, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, नजदीक। तो ये कहना था कि राम जी पर्वत के नजदीक पहुंच गए ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि पर्वत राम जी के नजदीक आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अगर कोई पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ता है तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई उसके नजदीक आ जाती है। पर्वत नजदीक आ गया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, और इस पर्वत से ही